स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सदियों पहले एंशिएंट ग्रीक से मानते थे कि भारत इथियोपिया से अलग हुआ कोई देश है। जी हाँ, मेगस्थीन्स के भारत आने से पहले ग्रीक्स के मन में भारत का डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा ही था। लेकिन मेगस्थीन जब सेलुकस निकेटर के राजदूत बनकर भारत की यात्रा पर आए, तब उन्होंने अपनी बुक इंडिका में भारत का सही डिस्क्रिप्शन लिखा। उन्होंने लिखा कि इंडिया एक क्वाड्रिलेटरल शेप्ड कंट्री है जो नॉर्थ में इंडस नदी और विशाल पर्वतों से शुरू होती है और साउथ में एक महासागर पर जाकर खत्म होती है। दोस्तों, मेगस्थीन्स का ये अकाउंट हमारे देश के सबसे एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस में से एक बन गया। हमेशा से हमारा भारत और भारतीय संस्कृति दुनिया के कौतूहल का केंद्र बने रहे हैं और इसी के चलते बीते कई सदियों से दुनिया भर से फॉरेन ट्रैवलर्स कई मीलों का सफर तय कर भारत आते रहे हैं। दोस्तों, ये ट्रैवलर्स कभी काम की तलाश में तो कभी ज्ञान की तलाश में, कभी एडवेंचर के लिए तो कभी किसी खास खोज के लिए, फिर कभी ट्रेडर्स बनकर तो कभी सोल्जर्स बनकर, तो कभी प्रीस्ट बनकर तो कभी पिलग्रिम्स बनकर दुनिया भर से भारत आते और अपनी इस यात्रा के दौरान भारत को और यहाँ की संस्कृति को अपने नजरिए से समझने की कोशिश करते। इन्हीं में से कुछ ट्रैवलर्स भारत में अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपने अकाउंट्स या ट्रैवलॉग्स को भी पीछे छोड़ गए हैं। यूं तो ऐसे अनगिनत अकाउंट समय के रेत में कहीं गुम हो गए हैं, मगर आज भी कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के ऐसे अकाउंट्स मौजूद हैं जो हमारे लिए हमारे भारत के इतिहास और उस दौर के सोशियो पॉलिटिकल कल्चर को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ट्रैवलर्स कौन थे, ये किस दौर में भारत आए, इनके आने का मकसद क्या था, इन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा और इनके अकाउंट हमारे लिए मददगार कैसे साबित हुए, आज इसी को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के जीएस फर्स्ट के हिस्ट्री सेक्शंस रिलेवेंट ऐसे कुछ ट्रैवलर्स को डिस्कस करेंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में, अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, भारत आने वाले कुछ मुख्य ट्रैवलर्स को हम ग्रीक्स, चाइनीज और अरेबियन ट्रैवलर्स के रूप में डिवाइड करेंगे। ऐसे में आइए इस जर्नी की शुरुआत एंशिएंट इंडिया के जाने माने ग्रीक ट्रैवलर मेगस्थीन से शुरू करते हैं। दोस्तों, मेगस्थीन्स एक ग्रीक हिस्टोरियन थे जो 4th century BC में मौर्यन एम्पायर के दौरान इंडिया आए थे। ये ग्रीक रूलर सेलुकस निकेटर के एम्बेसडर के तौर पर इंडिया आए और लगभग 5 साल तक मौर्यन एम्पायर की कैपिटल पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में रहे। देखा जाए तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस इंडिका नामक ट्रेवलॉग में शेयर किया है। इन्होंने अपने अकाउंट में इंडिया की ज्योग्राफी, इसकी गवर्नमेंट, रिलीजन एंड सोसाइटी के बारे में काफी कुछ लिखा है। मेगस्थीन्स ने अपनी किताब में चंद्रगुप्त मौर्य की प्रजा के रहन सहन और मौर्यन सोसाइटी का भी वर्णन किया है, जहां वो कहते हैं कि यहां के लोग बेहद डिसिप्लिन, ऑनेस्ट और साधारण लाइफ जीते थे। मेगस्थीन्स के अकाउंट्स के अकॉर्डिंग ये लिखना नहीं जानते थे। उनके मुताबिक उस समय इंडियंस अपने जीनोस या जाति के बाहर ना तो कोई शादी करते थे और ना ही ये एक दूसरे के ऑक्यूपेशन को फॉलो कर सकते थे। दोस्तों, वो ये भी बताते हैं कि उस दौर में इंडियंस 7 क्लासेस में डिवाइडेड थी। इसमें पहले फिलोसफर्स थे, फिर फार्मर्स, देन शेफर्ड्स एंड हंटर्स, इसके बाद आर्टिजेंस और ट्रेडर्स, फिर सोल्जर्स ओवरसीज और आखिर में काउंसलर्स आते थे। इन सब के अलावा मेगस्थीन्स ने मौर्यन एम्पायर की कैपिटल पाटलिपुत्र का डिटेल्ड अकाउंट देने के साथ ही साथ इंडिया के 2 मेन रिवर्स इंडस और गंगा को डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अब अगर चाइनीज ट्रेवलर्स की बात करें तो 3rd से 8th century के बीच बहुत से चाइनीज मॉन्क्स बुद्धिस्ट राइटिंग्स एंड नॉलेज की खोज में भारत आए थे। जैसे कि हम जानते हैं कि 6th century तक चाइना बुद्धिज्म का एक फ्लरिशिंग सेंटर बन चुका था। यहां से बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस कोरिया और जापान में भी स्प्रेड हो रहा था। उसी दौर में बुद्धिज्म को और बेहतर तरीके से समझने के लिए बहुत से चाइनीज मॉन्क्स भारत आया करते थे। फायान एक ऐसी चाइनीज मॉन्क थे जो 399 AD में बुक्स ऑफ डिसिप्लिन यानी कि विनय पिटक की खोज में भगवान बुद्धा की धरती यानी भारत की यात्रा पर निकले थे। उनके साथ इस सफर में 4 और मॉन्क्स भी शामिल थे। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ hours की लाइव रिविजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिविजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, UPSC सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेस्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस कोर्स को मात्र 7,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में एक्सेस कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
देखा जाए तो फाहियान ने अपनी जर्नी को फोकोकी यानी अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स में कैप्चर किया। इन्होंने अर्ली 5th सेंचुरी में चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य के पीरियड में नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में प्रवेश किया और यहाँ से वो आगे पाटलिपुत्र पहुंचे। यहाँ उनको एक महायाना मोनेस्ट्री में विनय पिटाका की कॉपी मिली जिसमें संस्कृत में महासंघिका के रूल्स लिखे हुए थे, इसलिए वो आगे 3 साल पाटलिपुत्र में ही रहे। यहीं पर उन्होंने संस्कृत सीखी और विनय के रूल्स को फिर से लिखा। इसके बाद उन्होंने गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी बाकी सिटीज जैसे कि श्रावस्ती, सारनाथ, बोधगया, वैशाली और राजगीर की भी यात्रा की। दोस्तों, इन्होंने अपने अकाउंट्स में तक्षशिला, पाटलिपुत्र, मथुरा और कन्नौज के बारे में भी खूब लिखा है। मथुरा के बारे में उन्होंने ये लिखा कि ये एक प्रॉस्परस और पीसफुल सिटी थी और यहाँ अधिकतर लोग टिटोडलर्स और वेजिटेरियंस हुआ करते थे। इन्होंने 400 से 411 यानी कि लगभग 11 साल तक भारत का भ्रमण किया। फाहियान ने अपने ट्रैवल अकाउंट्स में चंद्रगुप्त सेकंड का नाम तो मेंशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने तत्कालीन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन पर काफी कुछ लिखा है। उनके मुताबिक इस दौर की राज्य व्यवस्था बहुत ही लिबरल थी, लोग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय किया करते थे, लोगों के ऊपर टैक्सेस का बहुत ज्यादा भार नहीं था। साथ ही मोनेस्ट्रीज, संघ, टेम्पल्स और उनकी प्रॉपर्टी और बाकी रिलीजियस एंडोमेंट्स गवर्नमेंट टैक्सेस से मुक्त हुआ करते थे। लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम भी काफी सरल था। उस टाइम कल्प्रिट्स और ऑफेंडर से बस फाइन वसूल किया जाता था। देखा जाए तो कॉर्पोरल पनिशमेंट अवॉइड की जाती थी और डेथ पेनल्टी लगभग पूरे तरीके से एब्सेंट थी। इन सब के अलावा स्टेट की प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम लैंड रेवेन्यू हुआ करते थे। लोगों को अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 1/6 पार्ट स्टेट को रेवेन्यू के तौर पर देना होता था। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने की पूरी तरीके से आजादी थी। तत्कालीन शहरों में राजा और राज्य के अमीर लोग रेस्ट हाउसेस बनवाते थे जिससे टूरिस्ट और पिलग्रिम्स को काफी कन्वीनियंस मिलती थी। दोस्तों, कुल मिलाकर फाहियान के मुताबिक गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही बेनेवोलेंट और सक्सेसफुल था। पूरे राज्य में ऑनेस्टी, पीस और नॉन वायलेंस का शासन था। उनके अकाउंट से ये भी पता चलता है कि उस दौर में लोग रिलीजियस मैटर्स में टॉलरेंस मेंटेन करते थे। लोगों के रिलीजियस मैटर्स में स्टेट का इंटरफेरेंस बहुत ही कम देखने को मिलता था और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस टाइम बुद्धिज्म और हिंदुज्म दोनों साथ ही साथ फ्लरिश कर रहे थे। दोस्तों, बुद्धिज्म जहां पंजाब, बंगाल और मथुरा के आसपास बहुत पॉपुलर था, जबकि हिंदू रिलीजन चंद्रगुप्त सेकंड के मिडिल किंगडम यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के कुछ ही हिस्सों में फ्लरिश कर रहा था। इसके बाद चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क वेनसांग 639 AD में किंग हर्षवर्धन के पीरियड में भारत की यात्रा पर आए। दोस्तों, इनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता था। इनकी इस यात्रा के 2 मकसद थे। देखिए, पहला मकसद ये था कि वो भारत के फेमस बुद्धिस्ट साइट्स को ट्रैवल करना चाहते थे और दूसरा ये कि वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट को मैंड्रिन में ट्रांसलेट करना चाहते थे। जब ये चाइना में मौजूद बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ते थे तो वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं होते थे, इसलिए इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। ये चाइना से निकलकर गोबी डेजर्ट से सिल्क रूट से होते हुए कश्मीर पहुंचे। इन्होंने अगले 15 साल कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज एंड नालंदा की मोनेस्ट्रीज में रहकर हीनयाना एंड महायाना बुद्धिज्म की पढ़ाई की। उन्होंने अपनी यात्रा में अलग अलग किंग्स, किंगडम्स और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी खूब पढ़ा और लिखा। उन्होंने लिखा कि भारत भी चाइना की तरह ही न्यूमेरस विलेजेस, टाउन्स और बिग सिटीज का लैंड हुआ करता था। इनके अकाउंट से पता चलता है कि इस समय पाटलिपुत्र अपने प्रोमिनेंस को खो रहा था और उसकी जगह कन्नौज ले रहा था। वो अपने अकाउंट्स में कन्नौज के एलिगेंस, उसके आर्किटेक्चर, म्यूजियम्स और गार्डन्स को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि राजा हर्षवर्धन पहले शैविज्म को मानते थे, लेकिन बाद में वो हिनायन बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे। लेकिन जब वेनसांग के कनेक्ट में आए तो उन्होंने महायान बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू किया, लेकिन ये बहुत ही टॉलरेंट किंग थे। ये सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते थे और इसी के चलते इनका किंगडम बहुत पीसफुल और प्रॉस्परस रहा। दोस्तों, वेनसांग अपने अकाउंट्स में हर्षवर्धन द्वारा ऑर्गेनाइज की गई 2 बुद्धिस्ट असेंबलीज का वर्णन करते हैं। इसमें पहली जो कि कन्नौज में हुई थी और दूसरी प्रयाग में हुई थी। ये दोनों असेंबलीज इंडिया और इंडिया के बाहर बुद्धिस्ट टीचिंग्स के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में बहुत अहम रही। दोस्तों, कुल मिलाकर वेनसांग के अकाउंट्स इंडिया में किंग हर्षवर्धन के रूल के लिए बहुत ही क्रूशियल बन जाते हैं। इनके बाद चाइना की टैंग डायनेस्टी के बुद्धिस्ट मॉन्क इत्सिंग ने 7th सेंचुरी के सेकंड हाफ में भारत की यात्रा की। ये ओशन के जरिए ट्रैवल करके चाइना से भारत आने वाले सबसे पहले ट्रैवलर थे। ये 671 में भारत में चाइना से सुमात्रा आइलैंड्स होते हुए बंगाल पहुंचे थे। इन्होंने अपने अकाउंट्स में यहां के लोगों के रहन सहन, खान पान, पोशाक और यहाँ तक कि यहाँ मिलने वाले मेडिसिन प्लांट्स के बारे में भी खूब लिखा, लेकिन उनका मेन फोकस बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स को उनके मूल रूप में समझना था। वो चाइनीज बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस और इंडियन बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस के बीच के अंतर को बहुत ही बारीकी से समझना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई साल नालंदा में रहकर बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स का अध्ययन किया। देखा जाए तो अपने अकाउंट्स में उन्होंने उस समय चाइना से भारत आने वाले ढेर सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स की भी जानकारी दी। भारत से लौटते समय वे काफी समय तक श्री विजय में रुके रहे, जहां उन्होंने भारत से लाए गए ग्रंथों का मैंड्रिन में ट्रांसलेट किया, यानी बुद्धिज्म की समझ को बेहतर बनाने के साथ ही साथ इन्होंने इसको चाइना के आम लोगों तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई है। खैर, अब अगर अरब ट्रैवलर्स की ओर बढ़ें तो अर्ली मेडिवल पीरियड में इंडिया में बहुत से इन्वेजन्स हुए। दोस्तों, सबसे पहले ईरान के मुस्लिम ट्रेडर, राइटर और ट्रैवलर सुलेमान 9th सेंचुरी में भारत और चीन की यात्रा पर आए।
इन्होंने अपनी ट्रैवल जर्नी को अकबर अलसिनवा अल हिंद के नाम से पब्लिश किया। ये पाला एम्पायर के टाइम पर भारत आए। इन्होंने अपने अकाउंट्स में नॉर्थ इंडिया, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के एम्परर मेहरा भोज और बंगाल के पाला एम्पायर को डिस्क्राइब किया है। उन्होंने पाल शासकों को भारत के शक्तिशाली राज्यों में से एक बताया है, लेकिन उनके मुताबिक भारत का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य मेहर भोज का था, जिसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी। उसकी कैवलरी आर्मी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार सेनाओं में से एक थी। इनके अनुसार मेहर भोज भारत में इस्लाम के सबसे बड़े राइवल थे, जिनसे सिंध और मुल्तान के मुसलमान हमेशा डरते थे। दोस्तों, इनके बाद 10th सेंचुरी में अरब स्कॉलर अल मसौदी, जो कि एक फेमस ज्योग्राफर थे, जो 915 से 916 के दौरान बगदाद से भारत आए थे, इन्होंने अपनी भारत यात्रा को मुरुजुल जहान में कैप्चर किया है। साथ ही इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महिपाल के शासनकाल में गुजरात की यात्रा की। उन्होंने गुर्जर प्रतिहार शासकों को अल गुर्जर एवं राजा को बौरा कहा था। बौरा दरअसल गुर्जर प्रतिहार शासकों की उपाधि आदिव राव का ही बिगड़ा हुआ रूप है। इन्होंने अपने अकाउंट्स में राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के बीच संघर्ष की जानकारी दी। ये बताते हैं कि गुर्जर प्रतिहार राजा की सेना के 4 अंग थे। इनमें से हर एक अंग में 70 से 90,000 के बीच सोल्जर्स तैनात होते थे। इन राजाओं के पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार सैनिक थे। और राष्ट्रकूट राज्य के बारे में बताते हुए वे लिखते हैं कि राष्ट्रकूट राज्य की महिला पर्दा नहीं करती थी। खैर, इनके बाद 11th सेंचुरी में भारत आने वाले अरब ट्रेवलर्स में अल बरूनी सबसे प्रमुख थे। 1025 सी में जब मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर अटैक किया, उसके साथ ही अल बरूनी भारत आए, लेकिन उन्होंने अपने अकाउंट्स में मोहम्मद गजनी के बारे में बहुत कम मेंशन किया। इन्होंने अपनी बुक किताबुल हिंद में 11th सेंचुरी इंडिया को डिस्क्राइब किया है। यहां उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, संस्कृत और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को स्टडी किया। वो बताते हैं कि भारतीय समाज 4 वर्णों में डिवाइडेड था। इन 4 वर्णों के बाहर के लोग अत्यंज कहलाते थे। उन्होंने अछूतों की 8 श्रेणियों का भी बखान किया है। इन्हें गांव और शहरों से बाहर रहना पड़ता था। इनके मुताबिक तब भारत के समाज में वैश्यों एवं शूद्रों के सोशल स्टेटस में कोई अंतर नहीं था। अगर इनमें से किसी भी जाति के लोग वेदों का अध्ययन करते तो राजा उसकी जीभ भी कटवा देता था। उनके मुताबिक ब्राह्मणों को मृत्युदंड से छूट थी। भारतीय समाज पैट्रियार्कल था। इसमें मैरिज को एक लाइफ लॉन्ग रिलेशन माना जाता था और यहाँ तलाक की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ये आगे बताते हैं कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान था, लेकिन वे ग्रीक स्कॉलर्स की तरह चमड़े में नहीं लिखते थे। नॉर्थ इंडिया के लोग भोजपत्रों का इस्तेमाल करते थे, जबकि साउथ में लिखने के लिए ताड़पत्रों का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, अल बरूनी ने उस दौरान भारत में प्रचलित कई वर्णमालाओं का भी जिक्र किया है, जैसे मालवा में नागरी स्क्रिप्ट चलती थी, जबकि नॉर्थ इंडिया और कश्मीर में सिद्ध मातृका स्क्रिप्ट का यूज किया जाता था। और यहां बुक्स में टाइटल्स को शुरू में लिखने के बजाय लास्ट में लिखा जाता था। इन्होंने अपने अकाउंट्स में भारतीय विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, केमिस्ट्री, जियोग्राफी और जियोलॉजी की डिटेल में चर्चा की है, लेकिन ये कहते हैं कि इंडियन स्कॉलर्स साइंटिफिक फैक्ट्स और सुपरस्टिशन को साथ साथ लेकर चलते हैं, जिससे दोनों में अंतर कर पाना कठिन हो जाता है। वो कहते थे कि इंडियंस ने अपने एंसेस्टर्स के साइंटिफिक टेम्परामेंट को छोड़ दिया है और नए बिलीव्स के प्रति नैरो माइंडसेट को डेवलप किया है। दोस्तों, पॉलिटिकल स्फीयर की बात करते हुए वो बताते हैं कि भारतीय राजाओं में राजनीतिक एकता की कमी थी। ये फॉरेन इन्वेडर्स का मिलकर सामना नहीं करते थे, बल्कि भारतीय राजा ऐसे मौकों पर अपने विरोधियों के कमजोर होने पर खुश होते थे और इसे अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते थे। इन सब के अलावा इंडियन फिलॉसफी को समझने के लिए इन्होंने पतंजलि, गीता, पुराणों और सांख्य दर्शन का अध्ययन किया था, जिसके आधार पर उन्होंने भारतीयों के स्वर्ग, नर्क और मोक्ष संबंधी परिकल्पना का जिक्र किया है। तो दोस्तों, भारत अल बरूनी की नजरों में कुछ ऐसा दिखता था। खैर, अब बात करते हैं इब्ने बतूता की। दोस्तों, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। मोरक्कन ट्रैवलर इब्ने बतूता मेडिवल पीरियड में भारत आए सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स में से एक थे। ये अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कई देशों की यात्रा करते हुए 1334 सी में भारत पहुंचे। इस समय नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक इब्ने बतूता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने इब्ने बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसके बाद 1355 सी में मोरक्को के सुल्तान के कहने पर इब्ने बतूता ने अरबी में किताबुल रहला के नाम से अपना ट्रैवलॉग लिखा। इसमें उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज और उनके कैरेक्टर के बारे में डिटेल में लिखा है। दोस्तों, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के अत्याचारों और उसके विवेकहीन कार्यों का विवरण दिया है, जैसे कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद चेंज करना, टोकन मनी चलाना और शेखों और काजियों को दंडित करना। हालांकि इब्ने बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक की न्यायप्रियता की प्रशंसा की है। इसके अलावा उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय दुआब में अकाल की समस्या, तकवी ऋण का विवरण, साम्राज्य के प्रशासन, गुप्तचर प्रणाली और डाक व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। असल में दिल्ली का काजी रहने के दौरान इब्ने बतूता के संबंध मोहम्मद बिन तुगलक के साथ खराब हो गए थे और मोहम्मद बिन तुगलक ने तो कुछ समय के लिए उसे भी जेल में डाल दिया था। शायद इसीलिए इब्ने बतूता ने तुगलक के कामों की आलोचना की है। इन सब के अलावा इब्ने बतूता ने रेहला में भारतीय आर्मी वर्ग के रहन सहन, सामाजिक रीति रिवाजों और हिंदू जनता के धार्मिक विश्वासों एवं परंपराओं का जिक्र किया है। देखा जाए तो उन्होंने सती प्रथा, जाति व्यवस्था और दास प्रथा का विशेष विवरण किया है। साथ ही उन्होंने दिल्ली की प्रमुख इमारतों, स्कॉलर्स और सूफी संतों की भी चर्चा अपने यात्रा वृत्तांत में की है। दोस्तों, इब्ने बतूता ने अपने अकाउंट्स में भारत को आर्थिक रूप से संपन्न देश बताया है।
उन्होंने दिल्ली सल्तनत के लैंड रेवेन्यू सिस्टम, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के समय भारत के पोर्ट सिटीज में शिप बिल्डिंग का भी जिक्र किया है। इनके सभी अकाउंट्स भारत के बाहर मोरक्को में लिखे गए, यानी किसी भी तरीके से फोर्सफुल इन्फ्लुएंस या बायस से इम्यून थे, इसलिए इनके अकाउंट्स को मोहम्मद बिन तुगलक के सबसे क्रेडिबल सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यूं तो लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन आज हमने जितने ट्रेवलर्स की बात की उनके अकाउंट्स और एक्सपीरियंसेस भारत के इतिहास के कुछ मुख्य सोर्सेज में शामिल किए जाते हैं। कुल मिलाकर इस डिस्कशन से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सब कॉन्टिनेंट को विजिट करने वाले ट्रेवलर्स यहाँ की सोशल लाइफ का जो डिस्क्रिप्शन देते हैं वो हमारे पास्ट की नॉलेज को एनरिच करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। ये न केवल हमें हमारे इतिहास के अलग अलग दौर से रूबरू करवाते हैं, बल्कि साथ ही हमारे देश को बाहरी दुनिया के नजरिए से भी समझने में काबिल बनाते हैं, जिसके बिना इतिहास के किसी भी किस्से की समझ अधूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन और इससे जुड़ा आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। डिस्कस द अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन मौर्यन एम्पायर एज डिस्क्राइब्ड बाय द मेगास्थीन्स इन हिज बुक इंडिका। Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।